हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आ चुके एक और न्यू ब्लॉग के साथ एंड अभी फिलहाल मैं हूँ फतेह सागर, जो कि काफ़ी सुंदर जगह है उदयपुर की एंड बोल सकते हैं मोस्ट फेमस। एंड पिछले दो दिन अपन ने घूमा उदयपुर, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आज के वीडियो में काफ़ी आपको नई चीज़ें देखने मिलेगी अबाउट राजस्थान, जो कि राजस्थानी लुक कैसे होते हैं, पिछले ज़माने में घर कैसे थे। सो आज अपन वो देखने वाले, यहाँ पर नहीं एक सेकेंड लोकेशन है तो यहीं से मुझे जाना है, तो मैं सोचा कि यहाँ पर भी थोड़ा घूम लेते हैं, यहाँ का भी ब्लॉग मुझे बनाना था। तो देखो जगह एंड थोड़ा सिनेमैटिक लुक भी देखो। यहाँ पर ऐसे बोर्ड्स भी लगा रखे कि उदयपुर में कौन कौन सी घूमने की जगह जो है अच्छी है, यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर उनके फोटोज एंड ऑल लगा रखे। ये जगदीश मंदिर आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, ये गुलाबबाग का भी अपन ने व्लॉग बनाया है। यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर है, अमेजिंग। एंड सामने को मेन चीज़ तो बताना ही भूल गया, ये जो आप गार्डन देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा गार्डन, ये इस गार्डन का नाम नेहरू गार्डन है। काफ़ी अच्छा गार्डन है वो, अंदर से उसकी भी जो एंट्री है वहाँ से बोट के वहाँ से मिलती है, जो मैंने आपको बोला ना वहाँ से बोट जाती है। काफ़ी सही है जगह, शांत भी है, आपको यहाँ पर खाने का भी सब कुछ मिल जाएगा, मस्त। एंड ये नाइट को भी काफ़ी अच्छी दिखती है जगह। ये देखो उदयपुर तो जितना घूमो उतना कम है, रियली बहुत सुंदर है उदयपुर, आप भी आना उदयपुर घूमने ज़रूर। तो अपन चलते हैं जल्दी जल्दी, अपने उस सेकेंड लोकेशन पे भी जाना है, अगर रात हो गई मतलब अगर सन चले गया ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो जगह का मज़ा नहीं आएगा। तो भी चलते हैं अपने सेकेंड लोकेशन पर। सो फाइनली वी आर एट आर सेकेंड लोकेशन, शिल्पग्राम आपने देख लिया रहेगा। एंड टोटली राजस्थानी लुक बना रखा है यहाँ पर, टोटली मैं से ये पूरा सेट है जो कि सही बना रखा है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है जो कि 21 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ। बाकी मैं जब भी इधर आता हूँ ना उदयपुर में, तब भी मैं इस मेले में ज़रूर आता हूँ, लेकिन इस बार मेले मैं नहीं अटेंड कर पाऊँगा। सो और आगे घूमते हैं, आपको बताते हैं राजस्थानी लुक। यहाँ पर इनका डांस चल रहा है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। इसका कपड़ा कोटी, इसका कोट बनाओ, गाउन बनाओ। देखो आप जो कोटी एंड जो इनके कपड़े देखते हो ना, वो ऐसे थे इस तरह से। भाई जो पेंटिंग्स बना रखी है ना, आई थिंक सो इनको वारली पेंटिंग बोलते हैं, आई थिंक शायद इनको वारली पेंटिंग ही बोलते हैं। अगर और कुछ बोलते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। एंड यहाँ पर आप जो भी कपड़े देखोगे ना, सब हाथ से हैंडलूम्ड है। यहाँ पर जो भी शॉप्स लगाते ना, उनका रहना यहीं पर ही होता है, उनके घर यहाँ रहना एंड ऑल सब होता है। सो काफ़ी सही, इनको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं, यहीं पर ही सब कुछ हो जाता है।
बीच वाली लड़की देखो कितनी क्यूट है, वो देखो फुल वाइब में नाच रही है रियली। ये इनके घर बने हुए देखो, वो पपेट म्यूजियम है। तो आपको जितने भी सब सामान दिख रहे ये सब मिट्टी से बने हुए सब, ये कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। ये दीपक है जिसमें आपको ऐसे तेल डालना है, तेल डालना है। हाँ जी, ऐसे तेल भर दो और ऐसे रख दो। अभी इधर से वापस एक बूंद भी नहीं आएगा, अभी इधर से आएगा और इधर से ही बच जाएगा। ऐसा कैसे? यही थे कलाकारी जरिए, यही थे। ये ऐसे इधर से तेल भरो, ये ऐसे रुई के बच्चे डाल दो। भगवान की पूजा में, मंदिर में, दिवाली में, नवरात्र में, किसी भी टाइम जलता जाए। देखो यहाँ से तेल भरना है इधर से, एंड आपने अगर इसको फिर से सीधा किया ना तो इसमें तेल नहीं निकलेगा, नहीं सिर्फ यहीं से आ सकता है, जो कि यहाँ से आप ये बत्ती लगा के जला सकते हैं। और ये बच्चों के लिए खिलौना काफी सही है, ये भी मिट्टी का है ना? जी हाँ, सब मिट्टी का है। ये वाला जो पूरा मॉडल है देखो कितना सही बना है। ये टोटली आपको महाराष्ट्रियन लुक दिखेगा, ये देखो काफ़ी सही है रियली। एंड आपको जो ये वाला जो पूरा ग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ पर मेले के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त शो होता है रियली, बहुत ज़बरदस्त। ये जो भी बना हुआ है ना ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है, वो जो स्टेज है वो भी पूरा मिट्टी का बना हुआ है, एंड टोटली राजस्थानी यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर बाहर से वो मंगाते हैं, डांसर्स मंगाते हैं जो कि प्रो डांसर है, पर उसका भी व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगा, बट इस ईयर तो नहीं आ पाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर अपन जरूर आएंगे, मज़ा आएगा। सो अभी थोड़ा और घूमते हैं अपन, और भी है अंदर तक। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर रखा है जगहों के बारे में, ये देखो यहाँ पर पहले वहाँ पर कुछ मेंशन कर रहा था, मेरे पार्क मेंशन कर रखा है। तो देखते हैं स्कल्पचर पार्क कैसा है। यहाँ पर काफ़ी स्कल्पचर्स बना रखे हैं, देखो यूनिक यूनिक स्कल्पचर्स है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इनमें कि क्या शो करना चाहते हैं। आपको समझ में आए तो ज़रूर बताना। ये एक चीज़ मुझे समझ में आई कि ये बुक है, एंड ये बस इतना ही समझ में आया। आपको समझ में आए कमेंट करके बताओ। भाई भाई ये क्या है? ये मुझे व्हील लग रहा है, ये व्हील ही है, लेकिन किसका व्हील है मुझे नहीं पता, होगा किसी का तो व्हील होगा। अजय देव क्या बना रखा है, इसके हेयर स्टाइल देखो जबरदस्त। सब गाइस ये देखो, दूर से तो भूत बंगला लग रहा है लेकिन है क्या ये? यहाँ पर तो लिख रखा है नागा मोर्गन एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरी हिंदी कमज़ोर हो गई है। गाइस वो मैंने पढ़ा लेकिन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, तो वहाँ पर वो बैठे तो उनसे पूछता हूँ मैं। नंगल ये क्या चीज़ है? ये नंगल इनका जो है वो है, पूरा डिजाइन किया वो हट लाए है वहाँ से, यहाँ बनवाया। कहाँ से? नागालैंड का। नागालैंड? नागा वो मोर्गन क्या है का वो है। अच्छा वहाँ का हट है क्या? आप कहाँ से हो? मैं तो यहीं उदयपुर से रहता, राजस्थान, वहाँ हूँ, मुंबई। मुंबई रहते हो तो आप टूर पे आए क्या, घूमने आए क्या? हाँ मैंने कहा इधर कोई आया। तो मैंने उनको क्या बोल दिया था, रहता उदयपुर हूँ और हूँ राजस्थान से, अलग ही बोल दिया था। सो गाइस ये देखो, ये वाली जो है ना ये गुजरात से लाई गई है। यहाँ पे जो पहले ज़माने में जो ऐसे गुंडे ऐसे रहते थे ना, तो आप उसमें भी देख सकते हो, अपना वेब सीरीज़ में भी ऐसे घर बनाने दिख रही है ना, इसको इसको वार्लिक पेंटिंग बोलते हैं। ये मैं इसको जो है वार्लिक पेंटिंग बोलते हैं, ये पहले मैं बचपन में बनाता था। और यहाँ पर तो शो चल रहा है बड़ा, ये देखो ना रही हो राजस्थान के बाद अब होने चलते हैं गुजरात की ओर।
वहाँ की संस्कृति से रूबरू करवाते हैं। गुजरात से लेकर आ रहे हैं डांगी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य डांगी नृत्य। इसमें विद्यांगना अलग अलग पिरामिड बनाते हुए नृत्य करते हैं और बड़े ही यहाँ पर अलग अलग कास्ट के जो यहाँ पर स्टैचूज बना रखे हैं, ये आई थिंक सो कोली लोग हैं एंड ये मुझे राजस्थानी लग रहे हैं पगड़ी वगड़ी पहन के एंड ये महाराष्ट्रियन है और ये कौन से ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट करना एंड इनका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है ये इन दोनों स्टैचू का। बाकी ये तो महाराष्ट्रियन है एंड ये है राजस्थानी एंड वो कोली लोग आई थिंक सो, अगर मैं गलत रहूँगा तो मुझे बताना कमेंट में। एंड यहाँ पे आपको आ कर के ना एक चीज़ का आपको पता लग जाएगा कि मिट्टी से क्या क्या बनाया जा सकता है। रियली आपने जो स्टैचू देखा वो भी पूरा मिट्टी का बना हुआ था, आपको यहाँ पे मिट्टी के जो यूजेस है ना वो आपको डीपली समझ में आ जाएंगे। राजस्थान के पाली जिले से 13 ताली नृत्य, इसमें महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं और बाबा रामदेव जी की आराधना में इसमें गीत गाए जाते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने 13 ताली नृत्य पाली जिले से। तो सब शो अभी ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी मज़ा आया देख के, काफ़ी सालों बाद में देख रहा था। भाई यहाँ पर पेंटिंग्स देखो कितनी ज़बरदस्त बना रखी है, ये तो आपको पता है साउथ की है, जो अभी कांतारा मूवी आई थी ना वो भी शायद उसमें ऐसा ही कुछ ऐसा लुक था एंड काफ़ी सही बना रखी है। देखो ये आई थिंक सो अभी रिसेंटली बनाई हुई है सब, बिकॉज मैं पहले आया था तो पहले नहीं थी एंड वहाँ पर जो कुछ लोग थे वो भी बना रहे थे। ये वाले देखो कितनी सही बनाई है, अमेजिंग। इन चीज़ों को ही बनाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है रियली। ये देखो सो अभी अपन चलते रहे घर पे, जब तक रिक्शा नहीं मिलती तब तक यहाँ से चलना पड़ेगा, बिकॉज ये देखो पूरा सुनसान रास्ता है।
रियली गाइज आज ये सब चीज़ें देख के ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया मेरे को। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आई होप आपने एक भी क्लिप जो है वो स्किप नहीं किया रहेगा, आपको काफ़ी कुछ नया देखने मिला रहेगा इस वीडियो में। सो गाइज आई होप आपको आज के इस ब्लॉग में मज़ा आया रहेगा, एंड आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड शेयर करना है अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।